कल शाम में एक मामला SC ST थाना में प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें कि 19 अगस्त की घटना के बारे में उसमें उल्लेख किया गया था कंप्लेन में कि 19 अगस्त को एक बच्ची नवादाबेन गांव की रहने वाली है, हरिजन यूपी की, वो अपने मौसी के यहाँ इसमें जगदीशपुर थाना अंतर्गत गांव में गई हुई थी। तो वहीं पे वहाँ से लौटने के क्रम में कोहरा गांव के ही कुछ लड़के उसको घेर करके उसके साथ गलत कार्य किए और उसका वीडियो भी उनके द्वारा बनाया गया। इसके संबंध में SC ST थाना में दर्ज किया गया, जो वीडियो है उसका सत्यापन भी किया जा रहा है और लड़की द्वारा दो अभियुक्तों का नाम भी उसमें बताया गया, क्योंकि उसी गांव के रहने वाले उसके मौसी के गांव के उनके विरुद्ध छापामारी किया गया, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अन्य दो अभियुक्त हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। इसमें टीम बनाई गई है, जगदीशपुर SDPO की अध्यक्षता में SIT बनाई गई है, जो कि छापामारी कर रहा है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहा है। अन्य लीगल फॉर्मेलिटीज जो हैं वो भी कम्प्लीट किया जा रहा है, जिसमें कि लड़की का मेडिकल करवाना और उसका कोर्ट में 164 का बयान करवाना, वो सब भी जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जाएगी, गिरफ्तारी का इसमें सर वीडियो वायरल में तो अलग से केस किया जाएगा। हाँ, उसी केस FIR में उसका मेंशन है, तो उसका अलग से एक्ट लगता है, IT एक्ट का सेक्शन लगता है। वो वीडियो में करीब 4 से 5 लोग देख रहे हैं सर, 4 लोग की उसमें पुष्टि हो गई है। जो बयान है उसका बच्ची का, उसमें भी वही 4 लोगों के बारे में बोला गया, जिसमें से 2 की वो पहले से जानती है, तो उसका नाम उसके द्वारा बताया गया है। अन्य 2 लोगों की पहचान